चलिए बात भोपाल की कर लेते हैं, क्योंकि आज भोपाल में भी नगर निगम का बजट पेश होने वाला है। 3200 करोड़ रुपए का ये बजट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 साल बाद महापौर इस बजट को पेश करने वाले हैं। शहरवासियों को कई बड़ी सौगातें इस बजट में मिल सकती हैं। नीमच में प्रस्तावित 16 विंड प्रोजेक्ट का एजेंडा भी इस बजट में शामिल है। इसके अलावा ऐशबाग स्टेडियम का नाम स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग के नाम से करने का प्रस्ताव रखा गया है। विकास कार्यों के लिए पार्षदों को 25 लाख और महापौर परिषद सदस्यों को 50 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। 3 साल बाद शहर सरकार का 8 बजट पेश होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महापौर मालती राय जी, उनसे बात करना चाहेंगे। मैम, आज बजट पेश होने जा रहा है 3 साल बाद, किस तरह का बजट है? भोपाल की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके सहयोग से आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं भोपाल का बजट जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल के विकास के लिए, भोपाल की प्रगति के लिए बजट को प्रस्तुत करने वाली हूँ। और मेरे एक जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भोपाल में विकास हो सके। जनता जो अपेक्षा रखती है महापौर से, MIC से या पार्षदों से, तो वो उनके कामों को निश्चित ही पूरे प्रयास से करे। और मेरा सभी पार्षदों से, MIC से भी आग्रह है कि जनता ने हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, चूंकि नगर निगम मूलभूत सुविधाओं देने के लिए तत्पर रहता है और इसी जिस तरह से अभी तक ये काम करते आए हैं, इसी तरह से काम करके भोपाल की जनता को नगर निगम पर विश्वास दिलाए कि नगर निगम भोपाल की जनता के साथ है। प्रकार का टैक्स तो नहीं लगा जाएगा? देखिए, अभी तक किसी प्रकार का इस तरह की कोई योजना नहीं बनी है कि जनता पर हम किसी तरह का कोई भार डालें। विंड एनर्जी प्लांट जो था पिछले बार पास नहीं हो पाया, इस बार पारित हो सकता है लगभग? निश्चित ही विंड और सोलर यदि हमारे दोनों पारित हो जाते हैं तो भोपाल नगर निगम के लिए मंथली लगभग 2 करोड़ रुपए की बचत होगी। और मुझे विश्वास है कि आज ये दोनों प्रस्ताव, पहले हमारा नौकरणी ऊर्जा विभाग का जो अनुशंसा पत्र था वो नहीं आ पाया था, और आज के बजट में, आज के प्रस्ताव में नौकरणी ऊर्जा विभाग ने भी विभाग का जो नाम भी बदला जाएगा। नाम बदलने के लिए 3-4 प्रस्ताव आए हैं। माननीय बाबूलाल गौर जी का भी नाम आया है, उनके नाम पर बरखेड़ी की सड़क का नामकरण किया जाएगा। सामान्य कैलाश नारायण सारंग जी के नाम पर ऐशबाग स्टेडियम का नाम किया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर पहले भी बरखेड़ा पठानी का नाम था और अभी भी वही प्रस्ताव आया है, और कैप्टन वरुण के नाम पर भी प्रस्ताव आया है। तो देखना है कि शहरवासी को बजट को लेकर काफी उम्मीदें भी हैं। अब देखना होगा किस तरह का बजट आने वाला है, और कई बड़ी सौगातें राजधानी वासियों को मिल सकती है। कैमरामैन विपिन के साथ सनी मालवीय, INH News भोपाल।